योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का बेंगलोर स्टेशन पर हम स्वागत कर रहे हैं। स्टेशन कैसा बना है, कैसे दिखता है, हम आपको अंदर चलकर दिखाते हैं। मुख्य सड़क मार्ग से बेंगलोर स्टेशन पर आने पर इस तरह का बोर्ड आपको दिखाई देता है। यह बेंगलोर स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय होने के कारण यह बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन अति महत्वपूर्ण स्टेशनों में गिना जाता है। इसका पूरा नाम क्रांतिवीर संगोली रायन्ना बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन की स्थापना 1968 में हुआ। 1968 से लगातार बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन हम सभी के सेवा में लगातार तत्पर है। बेंगलोर स्टेशन के भीड़ को कम करने के लिए कुछ स्टेशनों को अलग से टर्मिनल स्टेशन बनाया गया है, परंतु विशिष्ट ट्रेन राजधानी शताब्दी वंदे भारत आदि जो अति महत्वपूर्ण श्रेणी के ट्रेन हैं वो इसी स्टेशन की शोभा बढ़ाते हैं। आइए आपको बेंगलोर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सभी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत रहते हुए इस स्टेशन का संचालन करते हैं। यहाँ पर जन आहार आप देख रहे हैं। जन आहार के साथ यह वेटिंग रूम यानी कि प्रतीक्षालय आपके सामने है। प्रतीक्षालय के साथ ही साथ आप ये चार पहिया वाहन आप देख रहे हैं, ये इस स्टेशन पर यात्रियों के सुविधार्थ लगाया गया है। प्रति यात्री 24 रुपया यानी कि 24 रुपीज़ देने के बाद आप किसी भी स्टेशन से स्टेशन की प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए इस वाहन का सदुपयोग कर सकते हैं। सामने IRCTC का रिफ्रेशमेंट रूम दिखाई दे रहा है, जहां पर आप अंदर जाकर अपने मनपसंद भारतीय व्यंजनों का रसास्वादन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एस्केलेटर की सुविधा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नहीं है। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ आगे बढ़ेंगे तो दाहिने तरफ तमाम शॉपिंग सेंटर दिखाई देंगे, फूड कोर्ट दिखाई देंगे। वहीं से हर प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए एस्केलेटर की सुविधा यात्रियों को दिया गया है। ये आपके सामने बाहर की तरफ से एस्केलेटर लगाया गया है।
जो रेलवे ब्रिज को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक लगातार सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ती है। इस ब्रिज के माध्यम से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। इस ब्रिज से उतरने व चढ़ने के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर स्वचालित सीढ़ी यानी के एस्केलेटर की सुविधा आपको दिया गया है। वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी ज़्यादातर प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 6 पर आती है। वैसे ये प्लेटफॉर्म की संख्या का निर्धारण कभी कभी बदल भी सकता है, इसलिए स्पेशली आप डैशबोर्ड को देखकर ही कंफर्म हो लें कि हमें कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है जिस पर वंदे भारत ट्रेन आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन बेंगलोर से मैसूर के लिए रवाना होगी। हम अगली यात्रा वृत्तांत इसी वंदे भारत का अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे।